ओके, तो आज हमारा टारगेट है कि हम एक्सेल में इंग्लिश से हिंदी कैसे कन्वर्ट करें, और इसमें हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं ऑनलाइन, वो है गूगल शीट। तो यहाँ पे हम ये एक्सेल शीट में डेटा है, एक रैंडम डेटा है कोई भी, इसको यहाँ से कॉपी करके और इसको हम एक्सेल शीट में ले जाके पेस्ट कर लेते हैं। ये गूगल शीट से, एक्सेल शीट से गूगल शीट में ले जाके पेस्ट कर लिया और ये पेस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लिखना है, एक फंक्शन लिखना है, लिखना है इक्वल टू, लिखना है गूगल ट्रांसलेट, और इसके बाद ओपन इसको कर देना है। टेक्स्ट हमारा कहाँ पे है, टेक्स्ट है हमारा A1, इसमें जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, कॉलम हमें देना है A1। अच्छा, ये किस टाइप का डेटा है, ये है इंग्लिश टाइप का डेटा है, और इसको किस में कन्वर्ट होना है, इसको कन्वर्ट होना है हिंदी टाइप में, तो HI करके, और इसको हमें क्या कर देना है, एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद इसको आप ये ऑटो फिल हैंडल को क्रैक पकड़ के और इसको नीचे तक खींच देंगे, अब देखेंगे कि आपका पूरा डेटा कुछ ही मिनटों में, आपका कुछ ही सेकंडों में आपका ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। हाँ, कुछ एरर्स रहेंगे इस ये मात्राओं के, तो इनको आप ठीक कर सकते हैं, जैसे यहाँ गंगवार लिखा था, अब इसको चेक कर लीजिए आप, इसको अगर करते हैं चेंज तो क्या कोई चेंज होगा, हाँ ये कर लो, तो आप इसे चेक कर भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक और काम करके देख लेते हैं, क्या इस डेटा को उठा के हम वापस एक्सेल में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये एक डेटा मैंने बना रखा था स्टूडेंट आई कार्ड के लिए, तो देखते हैं, ये केवल वेरिफिकेशन के लिए है, स्कूल से वेरीफाई करना होता है, तो ये हम बना सकते हैं, तो ये हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब डेटा आएगा तो वो कैसे आएगा, आप देख रहे हैं टेक्स्ट की तरह आएगा। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है वो किस टाइप का होगा, ये यूनिकोड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जितनी भी टाइपिंग है आपकी वो क्या होगी, यूनिकोड होगी। तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, आप करेक्शन यहाँ कर लीजिए या गूगल शीट में कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो आपने देखा कि ईजीली हम हमारे डेटा को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।